प्रथम नियम, उत्तल और उत्तर को साथ मिलकर चलेंगे, ठीक है। प्रथम नियम क्या कहता है बच्चों? कि गोली दर्पण के, ये पी हो गया, ये एफ हो गया, इधर क्या हो गया, सी। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है, ठीक। उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा बच्चों? प्रतीत होती है, जाती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। वास्तव में जाती नहीं है, आभास होता है, प्रतीत होती है, ठीक। ओके बच्चों, पहला नियम हो गया ये। दूसरा नियम क्या है? द्वितीय नियम, चल के हवा को झोंकों में। द्वितीय नियम बच्चों, द्वितीय नियम क्या होता है, ये क्या कहता है बच्चों? द्वितीय नियम कि गोली दर्पण में, गोली दर्पण में पता नहीं कौन सर फिजिक्स बना के चला गया, हम लोग पढ़ रहे हैं उसे। तो बच्चों ये गोली दर्पण है, पी एफ सी। गोली दर्पण में मुख्य फोकस एफ से होकर जाने वाली, मुख्य फोकस एफ से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या होता है बच्चों? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, हो जाती है, अर्थात मुख्य फोकस एफ से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगर बच्चों मैं करूं उत्तल की बात तो क्या हो जाएगा? प्रतीत होती है। ये रहा उत्तल दर्पण, ठीक। यहाँ से ये रहा ध्रुव P F C। मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है तथा प्रतीत होता है कि वो मुख्य फोकस से आ रही है, ठीक। ओके। ठीक है, क्लियर वही बात। ये इसके बाद एक नियम और होता है बच्चों, तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या है सर? तीसरा नियम बता दीजिए, हम लोग वेट कर रहे हैं। घबराओ नहीं, वेट करो, अभी बता रहे हैं। मैं एक आप लोग के लिए हिलाया हूँ वीडियो पूरा। तो बच्चों तृतीय नियम क्या होता है? तृतीय नियम ये क्या कहता है बच्चों?
कि गोली दर्पण के गोली दर्पण के वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है तथा इस लौट जाती है। या बच्चों क्या होता है, प्रतीत होती है। उत्तल के लिए क्या हो जाएगा, प्रतीत होती है। टिंग 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 ऐसे कुछ टिंग 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 ठीक है, प्रतीत होती है। हमने इसके नियम पढ़े। एक तो और होता है बच्चों, कुछ ऐसा परावर्तन के आधारित पर होता है नियम। ध्रुपी से जाएगी टकरा कर वापस चली आएगी, ये एक हो गया, इसी में इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है बच्चों, क्या इतनी बातें क्लियर है, बोलो क्लियर है। वेरी गुड। आते हैं आप किस पर, प्रतिबिंब बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना क्या होगा, पहला केस नंबर वन, केस वन, ओके। जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो क्या बनेगा बच्चों इसका, देखिए कई इमेज बना रहे हैं इसका हम। देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा आपका एक अवतल दर्पण, इस अवतल दर्पण का ध्रुव P हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। ओहो कैसी मजाक है, P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया, ठीक। वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर रखी हुई है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर जाती है, मुख्य फोकस F से होकर जाती है, ठीक है। एक और फिगर दिखाते हैं बच्चों, ये भी फिगर होगा इसका। टिंग 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 एफ सी, समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है, समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है, जहां पर मिलती हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। एक बच्चों ये भी दिखता है किताबों में, किताबों का शहर है हमें पढ़ना जरूरी है, किताबों का शहर है हमें पढ़ना जरूरी है। देखिए बच्चों ये क्या है, कुछ ऐसा है, अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जब जाती है तो ये क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। दूसरी प्रकाश किरण बच्चों, मैं वक्रता केंद्र सी से लेकर जाऊंगा
और दर्पण से टकराएगा और वापस अपने मार्ग में लौट जाएगा। तथा जहाँ पर ये दोनों कीड़े कट करती हैं, जहाँ पर ये दोनों कीड़े मिलती हैं, वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है बच्चों प्रतिबिंब? तो लिख रहे हैं यहाँ पर, यहीं पर लिख रहे हैं सभी के लिए। हाँ, स्थिति कहाँ होती है बच्चों? स्थिति कहाँ होगी? मुख्य फोकस F पर, मुख्य फोकस F पर, ठीक। प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक और उल्टा, ठीक, क्योंकि नीचे बनता है, अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। इसके बाद होता है बच्चों आकार कैसा होगा? आकार वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। आवर्धन क्या होगा बच्चों? आवर्धन होता है, नीचे बनता है तो m इक्वल टू माइनस वी ई और m इज मच 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 लेस देन वन। देख लेते दिख रहा है कि नहीं, कैमरे में दिख रहा है। m क्या होता है? देखो बच्चों क्या होता है, ये आवर्धन क्या होता है। मान लो कि अगर मेरे पास वस्तु की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और इसका प्रतिबिंब बन गया 3। अभी आवर्धन पर हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों, अभी यहाँ पर बस बतला रहे हैं। वस्तु की लंबाई 6 हो गई, प्रतिबिंब की लंबाई 3 हो गई, तो जब आप आवर्धन निकालोगे तो प्रतिबिंब की लंबाई बटा के वस्तु की लंबाई होती है, और यहाँ पे जब क्या करोगे, आई का मान रखोगे 3, ओ का मान रखोगे 6, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी कि नहीं। जब 1 से कम होता है तो आवर्धन जो होता है लेस देन 1 होता है, और जब 1 से ज़्यादा होता है, जैसे आपका वस्तु 3 है, प्रतिबिंब बन गया 6, जब वस्तु 3 हो गया और प्रतिबिंब बन गया 6, तो 1 से ज़्यादा हो गया ना, तो यहाँ पे बनता है m इज ग्रेटर देन 1, और जब बराबर हो जाए तब m इज इक्वल टू 1 बनता है। और अगर प्रतिबिंब नीचे बन रहा है तो उसके लिए नीचे के लिए लेते हैं ऋणात्मक, ऊपर बनेगा तो धनात्मक। अभी बतला देंगे चिन्ह पर पाटी बच्चों, घबराओ मत, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आता है बच्चों सेकेंड नियम, मिटा दिया जाए तो हम पोस्टमार्टम करते हैं इसी में। हाँ, बहुत छोटा का मतलब बिंदुवत बनता है, बिंदुवत कह सकते हो, ठीक है। अब आते हैं केस नंबर 2। जब वस्तु अनंत और सी के बीच हो, ठीक है, देखो कैसे। ये अवतल दर्पण, ओके, ये रहा आपका ध्रुव P, इधर रहा F, इधर रहा C। जब वस्तु अनंत और C के बीच स्थित होती है, A और B, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर जाती है, दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, C से होकर जाती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में
वापस लौट जाती है। बच्चों यहाँ पर देखो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, इसलिए ए डैश नीचे लिखे हैं, बी डैश ऊपर लिखे हैं। कैसा बनता है, स्थिति कहाँ है, सी और एफ के बीच, ठीक। वास्तविक उल्टा रहेगा ही, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बनता है। आवर्धन बच्चों ऋणात्मक रहेगा ही, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, नीचे, और m इज लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक। केस नंबर 3 पर आते हैं बच्चों, केस नंबर 3, जब वस्तु सी पर हो, जब वस्तु सी पर हो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये रहा पी एफ सी। जब वस्तु सी पर होती है तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र मुख्य फोकस से होकर जाती है दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। कैसा बनता है, स्थिति कैसी, सी पर, प्रकृति, वास्तविक उल्टा और आकार वस्तु के बराबर, आवर्धन क्या होगा बच्चों, m इक्वल टू 1 और m इक्वल टू माइनस VE, यानी ऋणात्मक बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा अपने स्याही को इंक पिला दें, बेचारा तड़प उठा है, इसका हार्ट बीट ख़त्म हो चुका है, किडनी लीवर फेल होने वाला है, तो इससे हम लोग थोड़ा सा इसको, जैसे आप लोग को पानी की ज़रूरत होती है उसी प्रकार इसको भी इंक की ज़रूरत होती है, ठीक है। जब आप लोग खाना बनाते हैं तो थाली का तो भंडारा बना देते हैं हम लोग, है ना। हाँ तो कहानी चलो आते हैं फिर तीसरे केस नंबर 4 पे। केस नंबर फोर क्या है बच्चों, एक बार देखें रिकॉर्डिंग सही है, बिल्कुल। केस नंबर 4 क्या है बच्चों, ये रहा अवतल दर्पण और यह रहा पी, ये रहा आपका एफ, इधर रहा आपका सी। तो जब वस्तु कहाँ पर हो बच्चों, अब जब वस्तु सी और एफ के बीच हो, ओके, बीच हो, तब क्या बनेगा प्रतिबिंब, जब वस्तु सी और एफ के बीच होता है तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है, तथा दूसरी प्रकाश किरण मुख्य फोकस एफ से होकर जाने वाली मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तथा जहाँ पर ये किरणें आपस में कट करती हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश
बी डैश बनता है। बच्चों कैसा बनेगा मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, थोड़ा सा कंजूसी हम करते हैं लिखने में, इसीलिए बच्चों मैं यहीं पर लिख रहा हूँ। इसके लिए कैसा बनेगा, आकार कैसा होगा, स्थिति कहाँ होगी, सी से परे, सी से परे यानी सी से बाहर, प्रकृति होगा वास्तविक और उल्टा, आकार होगा वस्तु से बड़ा, आवर्धन होगा m होगा ऋणात्मक और m इज ग्रेटर देन वन। ठीक है, चार केस पढ़ लिए हम लोग, पांचवा केस, केस नंबर पांच, केस नंबर पांच क्या होता है बच्चों, केस नंबर पांच, जब वस्तु मुख्य फोकस F पर हो। ठीक, तो देखिए कैसा इसका इमेज बनेगा, ये रहा आपका अवतल दर्पण, ठीक, ये रहा आपका ध्रुव P, इधर F, इधर C, वस्तु कहाँ है, मुख्य फोकस पे है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस F से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C से, ओहो, दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है और टकराकर अपने मार्ग में वापस लौट जाती है, और ये दोनों किरणें आपस में कहीं मिलती नहीं है, मिलेंगी तो कहाँ, इन्फिनिटी पर यानी अनंत पर मिलती है, तो स्थिति कहाँ हो जाएगी इसकी, स्थिति अनंत पर। ठीक, प्रकृति वास्तविक उल्टा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा, आवर्धन ऋणात्मक होगा ही, बट यम इज मच मच ग्रेटर देन वन। ठीक, क्या बात समझ में आ गई, ये हर केस को मैंने उठा उठा के लिया हूँ, और एक लेते हैं लास्ट केस, लास्ट केस है बच्चों, केस नंबर सिक्स, क्या है ये, ये क्या है बच्चों, ये रहा आपका दर्पण, जब वस्तु P और F के बीच हो। ठीक है, जब वस्तु P और F के बीच हो तो क्या बनेगा इसका इमेज, P F C, वस्तु P और F के बीच हो, तो P और F यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस F से होकर जाती है, दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, और ये दोनों पीछे की ओर क्या होती हैं, कहीं मिलती नहीं, फैलती जाती हैं, जब इन किरणों को हम पीछे की ओर काल्पनिक रूप से मिलाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह कहीं मिलती हैं, यानी ए डैश बी डैश, यहाँ पे बच्चों क्या होगा, इमेज सीधा बनेगा, छठवां केस में ही इमेज सीधा बनता है बच्चों, तो इस केस में क्या हो जाएगा, स्थिति क्या होगी इसकी, बोलो, अरे बोलो ना, स्थिति होगी दर्पण के पीछे, प्रकृति आभासी सीधा, आकार वस्तु से बड़ा,
आवर्धन m इज ग्रेटर देन 1 और m इसमें क्या होगा धनात्मक, क्यों? क्योंकि ये ऊपर बन रहा है। एक केस क्लियर हो गई बात। ये था हमारा अवतल दर्पण के द्वारा 6 केस बने हुए, ठीक है बच्चों। इसके बाद आते हैं हम लोग, इसके बाद आते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। बच्चों उत्तल दर्पण में केवल दो ही प्रतिबिंब बनते हैं, उत्तल दर्पण में केवल दो ही प्रतिबिंब क्या होते हैं बनते हैं। तो कौन कौन सा वो प्रतिबिंब के केस हैं? उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनना का कौन कौन सा है? पहला स्थिति 1, जब वस्तु अनंत पर है, ठीक है। जैसे देखिए एक दर्पण रहा, ठीक, ये P, इधर F, इधर C, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। बच्चों प्रकाश प्रतिबिंब बनने के लिए केवल दो ही किरण का होना आवश्यक नहीं, अनंत किरणों से प्रतिबिंब बनता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं केवल दो किरण से इमेज को बना देते हैं, ठीक है बच्चों। तो स्थिति क्या होगी इसकी? स्थिति F पर प्रकृति कैसी होगी? आभासी सीधा, आकार कैसा होगा? वस्तु से छोटा, आवर्धन m होगा पॉजिटिव और m इज लेस देन 1, एक से छोटा होगा। और एक और केस होता है, लास्ट ये है, जब वस्तु, केस नंबर 2, जब वस्तु अनंत और p के बीच हो, ठीक है, अनंत और p के बीच हो। तो देखो ये रहा आपका p, ये रहा आपका f, और प्रकाश किरण कहाँ पर है? अनंत और p के बीच में। चलो मैं खड़ा कर देता हूँ, यहीं पर है a और b, मुख्य अक्ष के समांतर गई और थोड़ा सा मुस्कुराई और वापस जाती हुई प्रतीत हो गई। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C से गई, टकराकर वापस आई, और काल्पनिक रूप से जब इसे हम लोग मिलाते हैं तो थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, ए डैश और बी डैश। यानी कैसा बनेगा प्रतिस्थिति? P और F के बीच होगा। प्रकृति कैसी होगी? आभासी सीधा, ठीक। आकार कैसा होगा? वस्तु से छोटा। आवर्धन कैसा होगा? m इज ग्रेटर m इक्वल टू पॉजिटिव और m इज लेस देन 1, यानी m 1 से छोटा होगा।
ये बच्चों था हमारा आठों केस हो गए उत्तल और अवतल दोनों के लिए। इसके बाद एक टॉपिक रह जाती है हमारी आवर्धन। क्या रह जाती है? आवर्धन, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो आवर्धन क्या होता है बच्चों? आवर्धन बोल बाबा बोल, सुन बाबा सुन। तो आवर्धन, आवर्धन यह कहता है किसी दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब की लंबाई प्रति बिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, अर्थात m इक्वल टू i अपान ओ। बच्चों ये भी होता है माइनस v अपान u, इसका भी पोस्टमार्टम होगा, ठीक है, इसका पोस्टमार्टम होगा बच्चों, बट नेक्स्ट टॉपिक्स में। तो बच्चों आज के लिए केवल इतना ही, और पढ़ाई करते रहिए, जो भी प्रॉब्लम हो उसे कमेंट में ज़रूर लिख करके भेज दिया करिए। तो बच्चों आज के लिए ही इतना काफ़ी, और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं एक नई सोच के साथ। थैंक यू बच्चों।